जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आल क्यू पी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इंडियन नेवी में यदि आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी में आप लोगों की न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है। यह वैकेंसी जो निकाली गई है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस यानी कि डबल ए की वैकेंसी निकाली गई है, साथ साथ SSR की आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई। इसमें योग्यता के रूप में बात करूँ तो योग्यता मात्र 10वीं पास आप लोगों से मांगा जा रहा है, यानी कि आप लोग 10वीं पास हैं तो इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों प्रकार के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। टोटल पद की अगर मैं बात करूँ तो टोटल आप लोगों को 2500 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में आप लोगों को पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन कब से हो रहा है, ऑनलाइन का लास्ट डेट क्या है, फीस पेमेंट कितना लग रहा है, हाइट आप लोगों से क्या मांगा जा रहा है, वेट क्या मांगा जा रहा है, चेस्ट क्या मांगा जा रहा है, सारी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना है। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को वेबसाइट पर और वहीं सारी जानकारी दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं वेबसाइट पर आ चुका हूँ और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन नेवी नौसेना भर्ती, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनमें दो प्रकार की वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। नेवी सोल्जर एंट्री आप लोगों को SSR की वैकेंसी है, दूसरा आप लोगों का आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की वैकेंसी आई हुई है। यह वैकेंसी जो है आप लोगों की जो है फरवरी बैच की जो है 2022 की वैकेंसी है यह। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में आप लोगों को सारी जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला तो आप लोगों को फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है वो 16/10/2021 रखा गया है, यानी कि इसी महीने से आप लोग 16 तारीख से यानी कि आज से ही आप लोग इस वैकेंसी की अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट भी आप लोगों का 25/10/2021 रखा गया है। फॉर्म को कंप्लीट करने का डेट भी आप लोगों का 25 तारीख ही रखा गया है। ठीक है, बात करते हैं आप लोगों को मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो मेरिट लिस्ट भी आप लोगों को जो है जनवरी या फरवरी मंथ में आ जाएगा। एग्जाम डेट की अगर बात की जाए तो आप लोगों को जो है फॉर्म भरने के कुछ दिनों बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी मिल जाएगी। अदरवाइज आप लोग हमारे चैनल से यदि जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पल पल की अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है, एडमिट कार्ड के बारे में भी आप लोगों को जानकारी इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, बात करते हैं टोटल पोस्ट की। टोटल पोस्ट आप लोगों का जो है 250 पदों पर आप लोगों को वैकेंसी, सॉरी 2500 पदों पर आप लोगों की वैकेंसी आई हुई है, जिनमें आप लोगों का आर्टिफिशियल अप्रेंटिस रहेगा और SSR की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोगों इसके बारे में है। तो पहला यहाँ पर आप लोगों का जो है SSR की जो वैकेंसी है इनमें आप लोगों को 2000 पोस्ट और वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए एज आप लोगों को जो काउंट किया जाएगा वो 1/2/2002 से लेकर जो है 31/1/2005 तक आप लोगों का एज काउंट किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10+2 मांगा गया आप लोगों से, साथ साथ इसमें आप लोगों ने जो है इंटरमीडिएट में आप लोगों को मैथमेटिक्स होना अत्यंत आवश्यक है, साथ साथ आप लोग फिजिक्स या फिर इसके अलावा कोई वन फॉलोइंग सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस, आप लोगों को इन तीनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप लोगों की जो है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में भी आप लोगों के जो है 500 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए भी एज सेम रहेगा, 1/2/2002 से लेकर जो आए है 31/1/2005 तक आप लोगों का एज होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप लोगों को 10+2 मांगा गया है। इसमें कम से कम आप लोगों को 60% एवरेज होना चाहिए है एंड मैथमेटिक्स फिजिक्स विथ आप लोगों को जो है केमिस्ट्री बायो या फिर कंप्यूटर साइंस आप लोगों का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हाइट की आप लोगों को क्या मांगा जा रहा है। तो हाइट आप लोगों को जो है नेवी में आप लोगों को जो है 157 सेंटीमीटर आप लोगों की हाइट मांगी जा रही है। रनिंग 1.6 किलोमीटर रहेगी आप लोगों की, 7 मिनट में आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। जितने बच्चे जो है 7 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करते हैं सभी बच्चों को जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद उनको एग्जाम के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें उठक बैठक आप लोगों को 20 बार करना होगा, 10 बार आप लोगों को पुशअप करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप लोगों के नेक्स्ट जो है तो नीचे स्क्रॉल करके आ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को अप्लाई करने के बारे में सारी जानकारी बता दिया हुआ है और यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग क्लिक करके यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ सिलेबस की भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ आप लोगों को ऑफिशियल लिंक भी मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का, साथ साथ आप लोगों को जो है इसके जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर वहां से सारी जानकारी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज जो डाउट बनता है आप लोगों का कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।